अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ इंजीनियरिंग. ये इंजीनियरिंग होता क्या है, इंजीनियरिंग का फंक्शन क्या होता है, इंजीनियर काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो काम होता है जब आप जाओगे आफ्टर टू और थ्री ईयर इन इंडस्ट्री, सो व्हाट यू हैव टू डू. सो आवर टुडेज टॉपिक इज इनोवेशन, इंजीनियरिंग इनोवेशन थिंकिंग और इंजीनियरिंग इनोवेशन माइंडसेट. सो व्हाट इज माइंडसेट. सो दिस ओके, वी विल फॉलो सम रूल्स. We will follow the three rules only. The first is be present in present. अभी exam उसको side में रखते हैं. Be present in present. The second is give your 100%. Give your 100%. जब आप present में हैं तो 100% देने में क्या जाता है? And the third is honest. Honestly, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये उत्तर मेरे को समझ में आ गया, तो honestly आप बताइए कि हाँ समझ में आ गया. और नहीं समझ में आ गया तो कोई बात नहीं. मराठी में एक serial आता है पटल तर घ्या. अतः ना आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर हो सके तो अभी सेल्फी निकाल के रख लो, डेढ़ घंटे के बाद जो आप बैठे हो यहां पर वो नहीं रहोगे. इतना गारंटी आपको दे रहा हूं. पंद्रह देश हाँ निकालो, सेल्फी निकाल लो. 15 देश और भारत का शायद ही कोई कोना है जहां पर ये सेशन नहीं हुआ है. मैक्सिमम कॉलेज में हो चुका है, वो आर्ट्स कॉमर्स ना कहीं ये प्रोग्राम हो चुका है. एंड टूडे आई एम वेरी लकी कि JSPM कॉलेज में मैं आज यहां पर एक सेशन. माइंडसेट से, व्हाट इज माइंडसेट. मैम ने जैसे बताया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि इन्होंने कुछ इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट लिया है, फिर देन इनोवेशन किया हुआ है, पेपर प्रेजेंटेशन किया हुआ है, बुक्स लिखे हैं. अभी एक चैलेंज दिया हुआ कि हर दिन एक बुक लिखने का, एवरी डे वन बुक, राइटिंग वन बुक एवरी डे. रोज एक किताब वहां से आता है और एक किताब लिख के उनको रात को 12 बजे के पहले सबमिट करना है. रोज एक बुक लिखना है. फिर उसके बाद कंपनी, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, ऐसे टोटल 7. और अभी 8वीं कंपनी जो हमारी लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया, उसमें थोड़ा और इनोवेशन कुछ करना है, इनोवेटिव उसमें कुछ लेकर आना. तो उसके लिए मैं हैदराबाद गया था. ये माइंडसेट होता क्या है कोई बताएगा? रूल नंबर फर्स्ट, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. व्हाट इज माइंडसेट? ये माइंड होता क्या है पहले चलिए बताएंगे. व्हाट डू मीन बाय माइंड? माइंड है क्या किसी को? हाँ माइंड है. कैसे पता चलता है इस आदमी के पास माइंड है? दिखता तो नहीं है, इलेक्ट्रिक दिखता नहीं है, फिर भी लोग पे कर रहे हैं. नहीं क्या फिर भी बिलीव करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कहीं तो भी है? कैसे पता चलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है? माइंड है. माइंड और इलेक्ट्रिसिटी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका अगर सही उपयोग किया तो ये कुछ भी कर सकता है, ये चमत्कार कर सकता है. अगर इसका गलत उपयोग किया तो फिर ये तो खत्म कर देगा, आदमी को जला के भस्म कर देगा. वैसे ही माइंड है. एक बच्चे को मैंने पूछा, एक स्कूल में गया था सेशन लेने के लिए, और मैंने पूछा कि ए बाबा मन कुठे असतं सांगा. तर एक मुलगा बोलतो मी 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 सांगू का सर. हाँ बोलिए. बोले सर जहां पर होना चाहिए वहीं पर नहीं होता, जहां पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता. अभी कल शाम, कल का तैयारी करना है, कल एग्जाम है, परसों का ऐसा है. वो ग्रुप से मुझे निकाल दिया उसने, मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला. अरे बाप रे बाप, मन में क्या क्या चल रहा है. अगर भाई अरे अच्छा, अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें बताया है कि एक हीरो रहता है जो नायक रहता है, और उसको एक ऐसा कुछ कुछ उसको एक वरदान मिलता है और वो लोगों की बातों को समझने लगता है जो मन में बोलते हैं. तो हमारी मन की बड़बड़ हमेशा चलती रहती है. याद रखिए, अगर माइंड का सही उपयोग किया तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं. 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है. और इसका उपयोग रामेश्वरम में मछुआरे का एक लड़का था, उसने इसका बहुत जबरदस्त उपयोग किया, बहुत जबरदस्त उपयोग किया. उस सात भाई के अंदर एक उसका जो था, वो जो लड़का था, उसने रामेश्वरम में ऐसा उपयोग किया कि रामेश्वरम के छोटे से गांव से निकलकर क्या बन गया, वो क्या बना? प्रेसिडेंट बन गया. इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है. ये अगर आज आपने सिर्फ ये भी अगर फार्मूला लेके गया तो बस खत्म. ये फार्मूला जब मेरे लाइफ में आया तो मैं ITI में था. ITI टर्नर मालूम है किसी को? आपने फर्स्ट ईयर में एक लेथ मशीन चलाया होगा, याद आ रहा है? फर्स्ट ईयर में लेथ मशीन चला रहे थे, आपने कुछ स्टूल बनाया होगा या कुछ ऐसा पैर, वो कुछ पैर बनाया होगा, ऐसा लकड़ी का पैर वगैरह कुछ बनाया होगा.
सो आई वॉज वर्किंग ऑन लेथ मशीन और मुझे लगा आप अपनी लाइफ तो ऐसी कटने वाली है, अब तो हम तो टर्नर ही बन के मरेंगे, टर्नर बन के पैदा हुए और टर्नर बन के मरेंगे। लेकिन नहीं साहब, इंसान, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। बस बहुत सिंपल है, यही बोलने के लिए आया था। हो गया, सेशन खत्म। अगर जाना है तो जा सकते हैं, अगर सुनना है तो और थोड़ा सा है मेरे पास फार्मूला। लेकिन आज अगर आपने ये फार्मूला को अप्लाई कर दिया, और मैंने भी वो फार्मूला को अप्लाई किया, आफ्टर दैट आईटीआई के बाद डिप्लोमा साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक भाईखला, वहां से डिप्लोमा। फर्स्ट ईयर कुछ समझ में नहीं आया, फाइनल ईयर में दो गोल्ड मेडल। फिर बोला चलो अभी कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकता है। सर तुम्हारा माहित नहीं माजी परिस्थिति। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से तो कुछ गई, उनसे तो कोई नीचे नहीं था ना, आपको तो नीचे नहीं बैठने मिला है, हमको तो अच्छे जगह पे बैठने मिला है। सावित्री बाई फुले से तो नीचे नहीं बैठने को मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज नाम सुना है? सुना है, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला नहीं सुना। मैं अफ्रीका में भी पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ माहित है, हमारा माहित है बाबा। उधर भी लोग बोलते हैं हमारा माहित है, सोहेली भाषा में वो लोग भी बोलते हैं, उनको भी पता है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? कोई मामला नहीं था उनके पास, पिताजी कहीं काम करते थे, नौकरी करते थे। लेकिन 16 साल की उम्र में माइंडसेट किया संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना करना। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? सुना है आपने? किसी ने ऐसा बोला नहीं, मैंने नहीं सुना है। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर को चूज किया, मेरे को इसमें जाना है। आज आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू डू। आज माइंडसेट कर लीजिएगा साहब, बहुत सारे इनोवेशन की जरूरत है, बहुत सारे एप्स की जरूरत है। एक 11 साल के लड़के ने एक ऐप्स बनाया है, हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड देते हैं। मेरी जो कंपनी है OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो 2019 में हमने उसको फाउंडेड किया था, हम लोग ने अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड दे चुके हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर। अभी एक रिकॉर्ड आया था, एक बच्चे ने इनोवेशन किया है, मैथ्स का उन्होंने ऐप्स बनाया, मैथ्स का ऐप बनाया, मैथ्स में जिसको तकलीफ होता है ना वो ऐप्स बनाया। मैं एक ऐप्स पे काम कर रहा हूँ जिसमें लोग कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, तो कमिटमेंट पूरा करने का एक ऐप्स बनाया हुआ है। आपको सिर्फ कमिटमेंट करना है कि मैं इंजीनियरिंग में टक 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 एवडो टक्के घूम लेना, इतना पॉइंट मैं लेकर आऊंगा बस, फिर वो ऐप्स आपके पीछे लग जाएगा। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, नहीं कर सकते। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, मैं मुझे स्टार्टिंग में ना वर्कशॉप में रखा गया था। मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई। तो बोले बाबा तुम तो क्या है, प्रोफेसर के लायक नहीं है। पहला उन्होंने मुझे वर्कशॉप में रखा, मैं वर्कशॉप में काम करता था। लेकिन मैं वर्कशॉप में ऐसा काम करता था, मैं ऐसे खुद का कंपनी समझ के काम करता था। और उसका फायदा मुझे 2019 में हुआ जब मैंने खुद का कंपनी बनाया। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, रोज कुछ ना कुछ इनोवेशन करते थे। मेरे साथ चार आदमी थे, चार टेक्नीशियन थे, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिनको, आपको भी मिले होंगे, आपके जब आप लोग थे कॉलेज में भी मिले होंगे। तो हम लोग रोज, मैं देखता था एक पर्सन ना क्या करता था, फाइल को ना पंच करता था, ऐसा हैमर लेता था और एक खिला नेल रहता था, नेल और हैमर से क्या करता था, वो नेल लेता था और हैमर से वो ऐसा फाइल को पंच करता था। क्यों करता था, क्यों करता था वो? क्योंकि वो फाइल सबमिट हो गया है मालूम करने के लिए, वो फाइल के ऊपर नेल करता। मैंने सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो चलो एक छोटा सा मशीन बनाते हैं। हम इंजीनियरिंग किया ना, इनोवेशन कुछ तो कर सकते हैं, कोई तो प्रोजेक्ट। सिर्फ प्रोजेक्ट हम कब बनाते हैं मालूम है, जब कॉलेज के फाइनल ईयर में आते हैं ना तभी बनाने का प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है, एकदा प्रोजेक्ट झाला ना 200 मार्क आए, 500 400 मार्क्स आए, तो रेस्त मैं आला तो समझो नहीं साहब। इंजीनियरिंग में रोज इनोवेशन होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे अभी दूरदर्शन पे मेरा प्रोग्राम हुआ था सैटरडे चैनल पर, अभी पिछले वीक में आया था, और लिंक आपको संदीप सर दे देंगे। उसमें एक बात कही थी हमने, पुरस्कार मिले ना मिले, सर्टिफिकेट मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज आपको आविष्कार करना है, रोज आविष्कार करना है। देखिए ना, सोसाइटी में कितने सारे चीजों की जरूरत है, कितना कुछ कर सकते हैं आप। देखिए, कोई पर्सन अम्ब्रेला लेके जा रहा है, अम्ब्रेला लेके चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हाथ उसके फ्री रहे, जैसा वो फ्री हैंड बोलते ना, जैसे हेडफोन हमने फ्री कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जहां चलूंगा वो जो अम्ब्रेला है मेरे पीछे आएगा। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। माइंड सेट कर लो, मला रोज एक इनोवेशन कराए है। और नहीं कर सकते तो कम से कम आइडिया तो शेयर करो, खुद को एक मेल करने का। चाइना की खासियत है साहब, लेकिन एक अच्छी बात भी उसमें, और वो है रोज एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करता है। एक महिला गई उसके पास, बोले हमको ना वो ये जो ग्रिल दरवाजा लगाने को ना, एल्यूमिनियम का दरवाजा लगाने को हमको तकलीफ आता है,
तो फटाक से उसने एक ब्रश बना दिया। अब देखो मार्केट में मिलता है, अपने जाएंगे ना यहाँ पर पुणे की मार्केट में जाएंगे तो एक ब्रश आता है, स्पेशल ब्रश आता है जो सिर्फ ये इसका जो जो चैनल होता है चैनल क्लीन करने का। रोज एक नया इन्वेंशन। करसन भाई पटेल नाम सुना है किसी ने? करसन भाई पटेल का नाम नहीं सुना लेकिन उसका प्रोडक्ट का नाम सबने सुना है। उसकी लड़की थी, उसका नाम था निरुपमा। निरुपमा के नाम पर उसने एक प्रोडक्ट बनाया था और वो केमिस्ट का काम करता था। बोले मैं तो केमिस्ट हूँ, मैं केमिस्ट है, 9 बजे जाता था, 5 बजे घर पे आता था। तो निमी सांगा मला काहीतरी करायचं, गुजरात की कहानी है। रोज बोलता था मेरे को कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी करना है, काहीतरी मला इनोवेशन करायचं है। तो उसने इसको देखा कि वो पत्थर जैसे साबुन से वो कपड़े धो रही है, गुस्से में कैट 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 चिल्लम चिल्ली कर रही है। बस उसी दिन उसको एक आइडिया मिल गया। और आइडिया क्या था? निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। फिर बोला 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 मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता। बोले क्या? तो फिर वो उसके पीछे यार्ड था, यार्ड में बैठ के वो कास्टिक सोडा लेता है, कुछ कलर लेता है, कुछ डिटर्जेंट लेता है। डिटर्जेंट तो मालूम ही नहीं था उस दिन, उस समय पता ही नहीं था किसी को डिटर्जेंट क्या होता है। लेकिन उसने बनाया और सोचिए वो बनाने के बाद क्या हो गया, आप देख रहे हैं आज क्या हुआ, निरमा यूनिवर्सिटी बन गई है। बस एक इनोवेशन आपको ढूंढना है, बस एक इनोवेशन आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको सच बताता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे ना, हर एक के पास अगर मैं पूछूंगा ना तो हर एक के पास एक इनोवेशन मिलेगा, हर एक के पास इनोवेशन मिलेगा। नहीं सर तुम्हारा माहित नहीं, मी जरा ना मी ऐसे ढ टाइप से विद्यार्थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। अगर आप ढ टाइप के, अगर आप कुछ काम के नहीं रहते ना तो कोरोना में तो टिकट कंफर्म था अपना। लेकिन सोचो अपना वेटिंग लिस्ट से हम लोग वापिस आ गए ना, वेटिंग लिस्ट में कंफर्म नहीं होता टिकट तो वापिस आ जाता है ना, वैसा अपने को वापिस आ गया। यानी इसका मतलब है कुछ तो है तुम्हारे अंदर, अभी भी कुछ ना कुछ करने की ताकत है। जब मेरे जैसा आईटीआई में पढ़ने वाला एकदम ढह विद्यार्थी जब आईआईटी मुंबई में जाके एमटेक करके फिर उसके बाद पता नहीं पीएचडी बीएचडी पता नहीं कितना सारा क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या काम करके जब आपके सामने आया हूँ, तो आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? तो सबसे पहले माइंडसेट, सबसे पहले क्या करना है? माइंडसेट। आज आपका माइंडसेट क्लियर है? ये बताओ इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इंजीनियर यानी क्या होता है? चलो इंजीनियर क्या पहले वो बताइए। What do you mean by an engineer? ये इंजीनियर होता क्या है? हाँ the person, हाँ करेक्ट, यू आर करेक्ट, बोलिए। What do you mean by an engineer? अभी आप लोग का सेकेंड ईयर हो गया होगा ना, सेकेंड ईयर सबका हो गया, चालू है। चलो कोई बात नहीं, एडमिशन लिया है तो आपको आइडिया, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या सोच के आपने एडमिशन लिया था, क्या सोचा था आपने? इनोवेशन कर रहे हैं क्या? इनोवेशन कुछ चलो आज से स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है आपके लिए, आपके हिसाब से, एक जब आप इंजीनियर के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? चलो ठीक है, इनोवेशन तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इंजीनियर के बारे में बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय एन इंजीनियर? ये इंजीनियर होता क्या है? क्या होता है इंजीनियर आपके हिसाब से? इनोवेशन, इंजीनियर का मतलब होता है इनोवेशन, बहुत सारे। लेकिन आप देखेंगे 1957 से हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं और कितने इनोवेशन हुए हमारे देश में, कितने इनोवेटर का नाम आपको पता है? हर साल 20 लाख इंजीनियर ये देश प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कितने लोग होते हैं जो सचमुच में कुछ नया इनोवेट करते हैं? मोबाइल किसका यूज करते हैं हम लोग? एप्पल का यूज करते हैं, चाइना का यूज करते हैं। मैंगो कंपनी का नाम सुना है? मैंगो, मैंगो मोबाइल, डबल सिम कार्ड बनाने वाली, भारत विश्व में, केवल भारत नहीं बनाया था और भारत में बेंगलुरु में बनी थी, बेंगलुरु में मैंगो नाम की कंपनी थी, मैंगो, अभी वो बेच दिया उन्होंने, उसने डबल सिम कार्ड का मोबाइल बनाया था। कई सालों के बाद एक इनोवेशन हुआ। फिर क्यों नहीं हुआ, बाकी का इनोवेशन किधर गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे जिन्होंने, जब हमारे पास कोई परमाणु की ताकत नहीं थी, उन्होंने खोज के निकाली, मिसाइल मैन बोला जाता है। उन्होंने नहीं बोला कि भाई असाइनमेंट का मतलब, अटेंडेंस का मतलब, फाइल का मतलब, फाइल काम पे टाइम पे देना, वो तो करना ही है भाई, वो तो अपना है ही, वो डिसिप्लिन जरूरी है। बट उसी के साथ साथ आज अपने इंजीनियरिंग में एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, इनोवेशन। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोस थिंग ओनली, बट बिफोर दैट यू मस्ट अवेयर अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय एन इंजीनियर। एक इंजीनियर होता कौन है? आपने एडमिशन लिया, चलो मम्मी पापा ने बोला एडमिशन लिया, आपका कोई बाजू वाला दोस्त था, कोई नामदेव नाम का दोस्त था, उसके उसको देखकर, नामदेव को देखकर आपने भी एडमिशन ले लिया। कोई आपका था सचिन नाम का था कि अरे उसने भी इलेक्ट्रिक में लिया, चलो अपन भी इलेक्ट्रिक लेते हैं, ऐसा हुआ था कि आपके साथ कोई तो भी सीनियर ने बताया इलेक्ट्रिक गया इंजीनियरिंग मध्य जाएसा, खूब चांगले, खूब स्कोप है। और मैं सच बताता हूँ बहुत स्कोप है इंजीनियरिंग, किसी भी में जाइए आपको इंजीनियरिंग में स्कोप है। लेकिन कब? जब आपको डेफिनेशन पता चलेगा।
कल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, यू मस्ट अवेयर अबाउट व्हाट डू मीन बाय एन इंजीनियर। सही, आप इनोवेशन बोल रहे हैं, डिजाइनिंग का काम है, वो डिजाइनिंग करता है, वो कुछ नया खोजता है, लेकिन सही में ऐसा हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं हो रहा है। हमारा क्या है, हमको डिग्री मिल गया बस खत्म। एक चाय वाला है कोई यहाँ पर पुणे में, एक चाय वाला, उसने लिखा मला ना इंजिनियरिंग डिग्री का फायदा नहीं झाला, पण एक चांगला फायदा झाला की मला बायको चांगली मिळाली, ऐसा उसने लिखा है। उसने लिखा है, चाय वाले ने लिखा है, ये क्या लिखा है भाई? उसके लिए इंजीनियरिंग किया था क्या? हमको तो एडमिशन नहीं मिल रहा था, हम तो सबसे आखिरी में थे, साबू सिद्दीक में सबसे नीचे था, वेटिंग लिस्ट में हमको था, लेकिन पता था कि करना क्या है। थ्री इडियट देखा आपने? आमिर खान को वो जब वो दिखा रहे थे, वो लोग जब उन्होंने फर्स्ट जो रहे थे ना, कुछ वर्कर लोगों को उन्होंने मूवी दिखाई, पिक्चर शो होने के पहले कुछ ऐसा रूल है सेंसर बोर्ड का कि आपको मूवी पहले आम लोगों को बुलाना है, ऐसे लोगों को बुला के दिखाना है। तो उसमें एक वर्कर भी बैठा हुआ था और उसने आमिर खान को एक सवाल पूछा, साहब मैंने तो पूरी फिल्म देखी थ्री इडियट, लेकिन इसमें तो आपको डिग्री मिला ही नहीं, डिग्री तो किसी और को मिला, आपको डिग्री मिला ही नहीं, तो क्या आप इंजीनियर नहीं बने क्या? आमिर खान को मिलता है उसमें डिग्री? वो रेंचो को मिलता है क्या? छांछड़ को मिलता है? छांछड़ नाम का तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था। सोनम वांचुक जो रियल जो हीरो है, उसको उसके पास डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके पास क्या है? इनोवेशन, इनोवेटर थिंकिंग है। और आज से अगर आपने चालू कर दिया तो बस काम हो गया। आज यहाँ पर आने का जो मकसद था, सर ने जो आज इनवाइट किया हुआ है मुझे, वो मकसद पूरा हो जाएगा। सर ने वही बोला है कि हमारे बच्चों को सर इनोवेशन के बारे में कुछ बताइए। सर से जब आपके एचओडी साहब से जब बात हो रही थी, सर ने यही कहा कि हमारे बच्चों के अंदर वो आग होनी चाहिए कि बस इनोवेशन, रोज एक नया इनोवेशन कीजिए साहब। तो इंजीनियर का मतलब बारे में हमेशा सोचता है, दो चीज के बारे में हमेशा सोचता है, दो चीज के बारे में हमेशा सोचता है। बाबा ये मोबाइल है, इसका रैम कितना है, फिर आप कंपेयर करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि हाँ ये इतने सस्ते में हो सकता है क्या, ये सारा कैपेसिटी है, इतना सारा इसमें कैपेसिटी है, इसमें सस्ते में हो सकता है क्या? आपको ट्रांसफार्मर का ऑर्डर आएगा, समझो ट्रांसफार्मर बनाने। महासिटी में रह रहे आप, शरद तांदे जो है आप देखना, उनका स्टोरी देखना, क्लियर हो गया? पर चीज पर आपको काम करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है फिर हमारी लैंग्वेज कौन सी होती है? एक इंजीनियर का लैंग्वेज कौन सा होता है? हाँ, क्या होता है, कौन सी भाषा में बात करते? दो इंजीनियर मिल गए हैं, एक जापानीज है और एक इंडियन है, दोनों बात कर रहे हैं, तो किस पे बात करेंगे? हाँ, इंग्लिश में बात करेंगे। यस, मीन्स व्हाट? ड्रॉइंग, हम लोग ड्रॉइंग में बात करते हैं। एक इंजीनियर की भाषा होती है ड्रॉइंग, वो ड्राइंग में एक्सप्लेन करता है हर एक को, वो वर्कर को देता है कि बाबा देखो अपने को ऐसा जॉब बना के चाहिए, इलेक्ट्रिक डायग्राम बना के देता है कि एक वायर यहां से आएगा, एक पॉइंट यहां से आएगा, फेस यहां से आएगा, न्यूट्रल वहां से आएगा, अर्थिंग वहां से आएगा, ये तीन चीज मिलके यहां से पास होगा। ड्रॉइंग हमारी भाषा है, ये ड्रॉइंग हमारी भाषा है, उसको भाषा बना लीजिएगा। आप जब एग्जाम देते हैं तो पेपर सिर्फ लिख के आते हैं या ड्रॉइंग भी बनाते हैं? हाँ, तो ड्रॉइंग बनाएंगे तो ही आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा, अदरवाइज अगर आपने ड्रॉइंग नहीं बनाया है तो आपका एग्जाम आधा ही माना जाता है। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट योर दिस थिंग, आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग इज कंपल्सरी, ड्रॉइंग बनाना ही है, नहीं तो जबरदस्ती बनाइए। पांच टाइप के ड्रॉइंग होते हैं, मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम गया हुआ है ड्रॉइंग बनाने में, मैं लोगों के चेहरे बनाता था ऐसे, कुछ लिम्का में नाम गया हुआ है, तो मुझे ड्रॉइंग के बारे में पता चला। आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, नहीं है तो सीख लो, सीधा लाइन कैसे ड्रॉ करना है, टेढ़ा लाइन कैसे ड्रॉ करना है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट कैसे सर्कल बनाना है। आपका मेन जो लैंग्वेज होगा वो ड्राइंग ही होगा। आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको यही काम करना है, और कंपनी में नहीं भी गए, खुद का भी कंपनी अगर आप डालते हो तो भी आपको यही काम करना है, ड्राइंग से एक्सप्लेन करना है, टेबल बनाना है आपको, फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट से बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको, कंसेप्चुअल डायग्राम बनाना है, रियल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना है, ये सारे ड्राइंग बना के आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट इज माइंडसेट, सेकंड इज इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग फिर क्या होता है? इंजीनियर का मतलब पता चल गया था, पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। द सेकंड इज हमारा लैंग्वेज कौन सा होता है? इंजीनियर होता है। उसके बाद अब आप इनोवेशन कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डेवलप एनी प्रोडक्ट? कोई भी कंपनी बिना बिना प्रोडक्ट के चली नहीं सकती, उसके पास एक प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। किसी भी कंपनी का नाम लीजिएगा, कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी, अच्छा कितने प्रोडक्ट चलते हैं भारत में कितने प्रोडक्ट चलते हैं, एक रफ कितना होगा? 100, 200, 300 कितना होगा? तो भी अनगिनत, यानी कहीं तो नंबर होगा ना, इन्फिनिट तो नहीं होता, एक नंबर होगा।
और ये नंबर जब मैं मेरे दिमाग में आया था तो मैं अमेजोन पे गया और मैंने देखा अमेजोन पे कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं आज की तारीख में, तो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ प्रोडक्ट हमारे देश में चलते हैं। बस आपको कितना ढूंढना है, कितना ढूंढना है, एक बस एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है, एक नीड फाइंड आउट। तो इनोवेशन कैसे होता है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड अ नीड। जब तक आपके पास नीड नहीं रहेगा आप कोई भी इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, आपको पहले इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अब ये माइक बार बार लेके मैं घूम रहा हूं, बताइए इसके लिए सोल्यूशन क्या है? कॉलर माइक, यस किसी ने कर दिया वो। अगर कॉलर माइक रहता तो मेरा ये हैंड फ्री हो जाता था, मैं फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। मोबाइल के अंदर साउंड नहीं आ रहा था समझो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, वायरलेस माइक आ गया है, दिख रहा है ना, वायरलेस माइक, इनोवेशन। और इनोवेशन करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू फाइंड नीड। और इनोवेशन कौन कर सकता है, चलिए बताइए, हु कैन डू इनोवेशन? हाँ, एनीबॉडी। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, छत्तीसगढ़ में मैं बादल नाम के एक पर्सन को मिला। बादल ये पंचर बनाता है। अब पंचर बनाने वाले को मिलना बोले तो क्या है, हमारे गली में कितने सारे पंचर है, लेकिन नहीं साहब, गली में होंगे पंचर बनाने वाले बहुत सारे, लेकिन बादल जो है छत्तीसगढ़ रायपुर में रहने वाला लड़के, उसने क्या किया, एक जेली बनाया। वो जेली को क्या करता है, अभी वो जेके टायर ने खरीद लिया उसका टेक्नोलॉजी, वो जेली क्या करता है टायर में लगा देता है और फिर कितना भी आप नेल मारो, कितना भी सुई मारो, कुछ भी करो, टायर पंचर नहीं होगा। सोचिए, जरूरत नहीं है कि आपके पास वो चीज होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, डिग्री होनी चाहिए। आज से ही, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इनोवेशन। आज ही इनोवेशन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा, आज, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज ही सोचे ना। ये देख रहे, ये फैन में आवाज आ रहा है, आपको पता है वस्तुएं जो है ना ये इंजीनियर से बात करती है। फिर से बोलूं, एक फिल्म मैंने देखा था, उसमें कादर खान था, कादर खान हमारे कॉलेज से ही है, ही इज अ सिविल इंजीनियर। कादर खान सिविल इंजीनियर है, प्रोफेसर थे साबू सिद्दीक में, यानी मेरे से बहुत पहले थे वो, तो वहां पर वो पढ़ाते थे। तो मैंने एक फिल्म देखा था, उसके अंदर कादर खान के साथ सब वस्तुएं बात करती है, कौन सा तो भी पिक्चर था पता नहीं। मैं सच बताता हूं, इंजीनियर के साथ भी मशीन बात करता है। आपके पास अगर बाइक होगा तो बाइक में से कभी आवाज आता है, टैं 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 आवाज आता है, समझ जाने का, कुछ तो भी कहीं नट बोल्ट उसका लूज हो गया है, कुछ तो उसको ऑयलिंग की जरूरत है। फैन में आता है ना, कभी सुना है फैन में टैं 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 कभी आवाज आता है, तो बोलता है भाई मेरे को ऑयल चाहिए, भाई मेरे को ऑयल चाहिए, ऑयलिंग करो, ऑयलिंग करो। मशीन इंसान से बात करती है, लेकिन सिर्फ इंजीनियर उसको समझ में आता है, इंजीनियर को पता चलता है ना। आप जब फैन लेके जाएंगे एक टेक्नीशियन के पास, तो फटाक से वो आवाज सुनता है, बोलता है हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है। मिक्सर में कुछ अलग से खड़खड़ खड़खड़ खड़ आवाज आ रहा है, तो उसका जो इंजीनियर होता है पहचान जाता है, साहब इसका मोटर आउट हो गया है, इसके रोटर में थोड़ा सा कुछ तो भी तकलीफ आ गया, कुछ फंस गया है इंटरनेट का हर जगह। तो मैं ना इंटरनेट को स्टोर करके रखना चाहता हूँ, मेरा रहा बहुत बढ़िया आइडिया है। और उसने वोडाफोन को वो मेल डाला, और वोडाफोन ने क्या किया, जिसका इंटरनेट बच जाता है फिर उसको क्या किया, उन्होंने रोल ऑन किया, वही उसी को उन्होंने उस पे सोच के उन्होंने किया। ऐसा है पॉसिबल, लेकिन कर दिया। मोबाइल के अंदर मैंने 2007 या 8 के अंदर मेल डाला था मैंने सैमसंग को नहीं, स्पाइस जेट, उस समय एक मोबाइल आता था स्पाइस जेट, एक जैसे एरोप्लेन का तो नाम ही है लेकिन उसकी मोबाइल भी है। उस मोबाइल के अंदर हमने, उस मोबाइल कंपनी को हमने एक मेल डाला कि सर इसमें प्रोजेक्टर लग सकता है क्या, और उन्होंने बनाया। आपको सिर्फ आइडिया देना है, आइडिया देने में क्या जाता है। और याद रखिए, अगर आपके पास इनोवेशन, इनोवेटिव थिंकिंग रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खुद की कंपनी चालू कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, कहीं से कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी, यानी इनोवेशन हो सकता है। क्लियर हो गया? एक कहानी सुनाऊं क्या, जर्मनी की कहानी है। ऑक्शन चल रहा था, वहां पे अलग अलग चीजें आ रही थी। पहले वहां पर आया कबोर्ड, आया तो कबोर्ड का लोगों ने ऑक्शन लगाया, उसके बाद टीवी आता है, टीवी का ऑक्शन लगाया जाता है, उसके बाद फिर मिक्सर आता है, मिक्सर का ऑक्शन किया जाता है, उसके बाद वायलिन आता है, बोले वायलिन का क्या दाम लगाने का, तो वायलिन का दाम ना बढ़ने से ज्यादा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, लगा ये टूटा फूटा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो लोगों ने 100 यूरो से करते करते 50 यूरो, 50 यूरो से 10 यूरो, 10 यूरो से 5 यूरो पे बिकने जा रहा था। तभी वहां पे एक पर्सन आते हैं, वो बोलते कि आप मुझे जरा वायलिन देंगे कुछ देर के लिए। वो कुछ देर के लिए वायलिन लेते हैं, और वायलिन लेने के बाद उस पर ट्यूनिंग करते हैं, और ट्यूनिंग करने के बाद फिर क्या हुआ होगा बताइए, फिर वो बजाता है,
बजाने लगता है, और बजाते बजाते वहां के सारे लोग मंत्रमुग्न हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे यार क्या क्या वायलिन है। फिर क्या हुआ होगा, 5 यूरो का जो वायलिन था उसकी कीमत कीमत रूल नंबर सेकंड, गिव योर 100%, कीमत बढ़ने लगती है। 5 यूरो से 50 यूरो, 50 यूरो से 100 यूरो, 100 यूरो से 200 यूरो, 500 यूरो में वो बिक जाती है, कहानी खत्म। अब सवाल ये है कि वायलिन की कीमत बढ़ी कैसे, वायलिन की कीमत कैसे बढ़ी? हाँ, वायलिन की कीमत बढ़ी क्योंकि उसको ट्यूनिंग किया गया था। आपको भी अपने माइंड को रोज ट्यूनिंग करना है, रोज ट्यूनिंग कीजिए। लोग बोलते मला का पैकेज चांगला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई, आपने किया था कि ट्यूनिंग? रोज ट्यूनिंग करना है। आज से ही, आज भी आपके पास 3 साल, 2 साल, 1 साल अभी भी बचे हैं, उसको सही यूटिलाइज करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले अपना खुद का एक वेब रहेगा ना, बहुत अभी आजकल वो लोग भी 5G वाले हो गए, वो भी पूरा आपका सब पोस्टमार्टम कर लेते हैं पूरा फेसबुक पे जाके, इसके फ्रेंड कौन से, भले आप लॉक नहीं, मी तर काय लॉक करून ठेवलाय, मला तर काय ते ओळखणार नाही, वो बराबर पहचान लेते, सब उनके पास रहता है। आज के बाद से खुद का एक वेबसाइट बनाना शुरू कीजिएगा। कितना खर्चा आता है वेबसाइट बनाने में? 0। wordpress.com वहां पे जाना है, और उसके आगे dineshgupta.wordpress.com ऐसा आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। हमारा तो अभी खुद का कंपनी परचेस करती है, लेकिन आपको इन्वेस्ट, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो पोस्ट आप फेसबुक पे डाल रहे हैं वही पोस्ट आप अपने वेबसाइट पे डालिए, क्योंकि जब आपके बायोडाटा में आएगा ना www.suresharma.com, suresharma.wordpress.com, या अगर आप परचेस करते हैं डोमेन, 500 रुपए का आता है 1 साल के लिए, 300 रुपए का भी आता है, 200, डिपेंड है कि क्या आपने क्या डाला हुआ है। तो खुद का एक वेबसाइट बनाइए और उसके अंदर सारे थॉट डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका जब बायोडाटा बनेगा तो बायोडाटा में आपका वेबसाइट भी आएगा, नाम के नीचे, नाम के नीचे वेबसाइट आएगा, तो वहां पे वो उसको ढूंढने में आसानी होगी कि भाई कौन है ये सोनू शर्मा, कौन है, चलो देखते हैं, sonushrma.com वगैरह डाल के वो चेक करेगा आपके बारे में। दूसरे नंबर पे जो आता है, जब सपोज आपको एक शर्ट लेना है, एक शर्ट लेना है, और शर्ट जो है 3000 रुपए का लेना है, तो आप कहां पर जाएंगे, रोड पे जाएंगे लेने के लिए? 3000 रुपए का, मम्मी ने बोला कि ये 3000 रुपया ले और एक मस्त बढ़िया सा शर्ट लेके आ रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, मॉल में जाएंगे, पीटर इंग्लैंड में जाएंगे, रेमंड में जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट जो शॉप रहेगा, यानी बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट के पास जाके हम लोग क्या करेंगे, शर्ट लेके आएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जब आती है ना, तो वो भी ऐसी करती है, वो ऐसे किसी को भी उठा के नहीं लेकर जाती है। जब आपको 25,000 के ऊपर अगर सैलरी दे रहे हैं तो आपको दिखाना भी पड़ेगा ना, या वो 3000 का शर्ट है, आपको बताना पड़ेगा कि मैं राइट कैंडिडेट हूँ आपके कंपनी के लिए। और आज से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है, वो तो अपना डिसाइड करेंगे, वो लोग चूज करेंगे आपको कि भाई कहाँ पर लेना है, MPSC में जाना है, UPSC में जाना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, आप क्या करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पे आता है, तीसरा कंसेप्ट है रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट। अब ये क्या है भाई, रेनबो ज़ेब्रा क्या है, सुना है कभी रेनबो ज़ेब्रा? ज़ेब्रा कितने रंग का होता है, कितने रंग का होता है, दो, देखा आपने? हाँ देखा है, बराबर, सबने देखा, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं है, पता है कि दो ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो देखा ही होगा आपने, दो रंग का ही होता है, व्हाइट और ब्लैक होता है। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा ज़ेब्रा आ जाएगा जो मल्टी कलर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ सेल्फी निकालेंगे, हम बोलेंगे भाई इधर ज़ेब्रा खड़ा रखे, हम सेल्फी निकालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, स्टेटस पे डालेंगे कि हमने आज एक रेनबो ज़ेब्रा को हमने देखा, मल्टी कलर ज़ेब्रा को हमने देखा, आप बताएंगे लोगों को, दैट इज कॉल्ड रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट। आपको भी रेनबो ज़ेब्रा बनना है, आपको भी रेनबो ज़ेब्रा बनना है, अपना ब्रांडिंग खुद बनाना है, आपको अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना है। और कैसे करेंगे, फिर से आपको माइंडसेट, रोज नया कुछ करते रहिए, रोज नया, नहीं, जहां पर भी मौका मिलता है, जहां पर भी कुछ अगर लग रहा है इनोवेशन दिखाने का, जहां पर भी आपको मौका मिलेगा इनोवेशन इनोवेटिव करते रहिएगा, और वही आपको रेनबो ज़ेब्रा बनाने वाला है। आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, ये आपको रेनबो ज़ेब्रा बनाएगा। आप कॉलेज का जो फंक्शन होता है उसमें आप कैसे, कॉलेज का जो फंक्शन होता है उसमें आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, वहां पे आप रेनबो ज़ेब्रा बनेंगे। आपको रोज अपने नाम के आगे नया नया टाइटल लेकर आना है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हमेशा बोलते थे, माणसाने जर आयुष्य भर शिकण्याचा ध्यास घेतलं, माणसाने जर आयुष्य भर शिकण्याचा ध्यास घेतलं तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो।
बहुत दिल से बात दिल तक पहुंच गई, नहीं क्या? बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या वो भी बता दो, आप ताली तो बजा दिया, इसको जरा एक्सप्लेन करो क्या है ये, क्या है? माणसानी जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला, यानी रोज रोज भी सीखते रहेंगे ना, तो भी आप यहीं तक पहुंचेंगे 100 साल के बाद, आप कभी पूरा होंगे नहीं, तो अपने आप को रोज ट्रेन करते रहिएगा। आपको माइंडसेट सेट करना है, करना क्या है, अपने आप को रोज इनोवेशन करना है, इंजीनियरिंग का परिभाषा पता चल गया है, उसके बाद आता है रेनबो ज़ेब्रा बनना है, एंड आफ्टर दैट द लास्ट में जो आता है एक्शन लीजिए। लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट अ एक्शन टेकर, वो बस देखते हैं यूट्यूब पर, उनको कोई अच्छा लग रहा है, इनोवेशन लग रहा है, ये ब्रेड ऐसा बनाना है, इसके ऊपर SMD ऐसा रखना है, यहाँ से कनेक्शन देना है, यहाँ से ऐसा करना है, लेकिन वो करते नहीं है साहब। एक टारगेट दोगे टास्क, मोबाइल चार्जिंग के लिए आप लोग क्या क्या नया, कुछ नया मुझे दीजिएगा। हाँ, सोलर पे है वेस्ट, यस, जैसे मैं चल रहा हूं अभी, ये चलते चलते मोबाइल चार्जिंग हो सकता है क्या? हो सकता है, पीजोमीटर ना, पीजोमीटर से आप बना सकते हैं, पावर बैंक है, जैसे मेरी धड़कन से भी मोबाइल चार्जिंग हो सकता है क्या? जैसे हमारा जो नस चल रहा है उसे हो रहा है, हो सकता है क्या मोबाइल चार्जिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? जीरो लिख रहा है ना, अगर आपके आगे एक लिख देगा ना कोई, तो क्या होगा, जीरो का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो आज कम से कम एक लीजिए, कुछ करना नहीं, बस सुनना है, बस चुपचाप सुनिएगा तो भी चलेगा, मत पार्टिसिपेट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आज से इनोवेशन करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए ना क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये फैन है, मैं जिधर चलूंगा फैन मेरे साथ नहीं चल सकता है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है? मैं जहां रहूंगा फैन मेरे को फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, कैप लगाना पड़ेगा, वेरी गुड, ऐसा दिमाग चलना चाहिए, कैप लगा के भी कर सकते हैं। दूसरा, ड्रोन लगा के नहीं कर सकते? ड्रोन कभी गया आपके ऊपर से गया, उसका हवा देखा ना कैसा जोर से हवा आता है, देखो इनका भी दिमाग चलने लगा, बस यही करना है, यही यही अटैक करना है। तो लास्ट का जो सिद्धांत था वो क्या था, एक्शन टेकर बनिएगा। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग किताब लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इनोवेशन करना चाहते हैं, बहुत से लोग कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत से लोग कुछ नई नई बातें सीखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है मालूम है, वो करते नहीं है कुछ, वो सोचते हैं, लेकिन अगर एक इंजीनियर जो होता है वो एक्शन टेकर होना चाहिए, इमीडिएटली फटाक से एक्शन लेके काम करना चाहिए, उसके अंदर वो आलस नाम की चीज रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आलसी बन जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, आपका पोस्ट कोई ऐसा नहीं रहेगा, टर्नर फिटर का पोस्ट नहीं रहेगा, आपको कहीं ऑपरेटर बन के नहीं लिया जाएगा, आप मैनेजरिकल पोस्ट पे जाने वाले हो, तो आपके अंदर वो मैनेजमेंट के जो 14 सिद्धांत है पता है आपको, मैनेजमेंट के 14th law है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या क्या है वो आप बाद में जाके देखना, हेनरी फॉयल ने लिखा हुआ है, वो भी इंजीनियर था, हेनरी फॉयल जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, और उसने दुनिया छोड़ने के पहले उसने क्या किया था, इस संसार को 14 मैनेजमेंट लॉ दिए हैं, पूरा मैनेजमेंट उसी पर चलता है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट का सिद्धांत उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो था हेनरी फॉयल, जो एक ऑपरेटर बन के कंपनी में गया था, बाद में कंपनी का सबसे टॉप का मैनेजमेंट बनता है, उसने 14 ऐसे सिस्टम दिए हुए हैं, अगर इसको कोई भी फॉलो करता है तो वो इंसान लोगों को कंपनी को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। देख लेना आप नेट पे जाके देख लेना ये 14th law है क्या, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कविता, मुट्ठी में तो सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? आपको रोकने वाला कौन है पता है आपको? आपको रोकने वाला कोई बाहर का नहीं है, अपने घर का ही कोई है, और घर का भी कोई नहीं है, अपने अंदर का कोई है। अरे तो बग माला बगतो ये, तो बग कसा दिसतो ये, तो क्या हंसना वाजा बढ़ती, हम लोग अपने आप से बहुत सारी बातें बोल देते हैं। आज के बाद से वो जो बैरियर बना के रखा ना अपने शब्दों का, उसको तोड़ दीजिएगा, उसको तोड़ दीजिएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तपकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? आपको रोकने वाला, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको रोकने वाला कोई बाहर का नहीं है, कोई दूसरे राज्य का नहीं है, कोई दूसरे भाषा वाला नहीं है, दूसरे मजहब का नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है।
और जिस दिन आपने उस को जीत लिया, आप सबको जीत लिया। दूसरों को जीत के पहले खुद को विजय करें। एक इंजीनियर जो होता है वो दूसरों को जीतने के पहले खुद को जीत लेता है, और आपका जीत ही सब कुछ है। आपने अगर अपने आप को जीत लिया, बाकी दुनिया आपको विजयी बोले नहीं बोले, आपको तो पता है ना, मैंने खुद को जीता है। सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा क्या है कौन बताएगा? सफलता यानी क्या? सक्सेस यानी क्या? हाँ, सक्सेस यानी क्या? हाँ, हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करना यानी सफलता। ये हासिल कैसे करना है? तो महात्मा गांधी की किताब थी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और उसके अंदर उन्होंने बताया द एक्सपीरियंस विद माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। उसमें उन्होंने बताया है व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू डू, ये जब चार अलाइन हो जाएंगे ना, आप सक्सेस हो जाएंगे। फिर से बोलो, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो फील करते हैं, और वही अगर हम करने लगेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है जो आप बनना चाहते हैं। 1901 में जब लोग गाड़ी चलाते थे ना, तो एक प्रॉब्लम आता था कि लोगों को बार बार उतर के ना कान साफ करना पड़ता था। 1901 में जब लोग उतरते मिस जब गाड़ी चलाते थे और ऐसा स्नो गिरता था, बारिश गिरता था, तो उतर के क्या करते थे? बार बार कान साफ करते थे। क्या आया आइडिया? आया, हाँ, वाइपर आ गया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं रोज। डिग्री मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन आज से इनोवेशन शुरू कर दीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है जो चश्मे से मैं नजदीक का देखता हूं वही चश्मे से दूर का दिख सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं आप इसको, ये इनोवेशन। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग एक ऐसा कैप्सूल बनाएंगे जिसको पानी में डाल के पानी गर्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? आज नहीं हो रहा है, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। फास्फोरस लेना है, सोडियम लेना है, डाल देना है, पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो अभी हेल्थ के लिए सही नहीं है। हम सोच रहे जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा, बीएसएफ पे जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? ठीक है, मैगी तो बने गई, मैगी तो बनता ही रहेगा, गर्म पानी डाल दिया मैगी बनी जाएगा कैप्सूल से, लेकिन ये तो बहुत छोटा यूज होगा। सोचिए जो बॉर्डर पे हमारे काम कर रहे हैं सैनिक लोग, उनके लिए कितना बड़ा आप उपहार देंगे। बस आपको एक कैप्सूल बनाना है और उसको पानी में डाल देना है और पानी गर्म, कितना बड़ा इनोवेशन होगा, कितना बड़ा एनर्जी का हम लोग बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। जो बाल्टी में लोग गर्म पानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, मन से। आखिरी का जो बता रहा हूं, आखिरी का एक है, हमेशा धन्यवाद देते रहिएगा जिसको भी, जो भी मिलता है लाइफ में, जिसने आपको पैदा किया उसको धन्यवाद, जो आज आपको यहाँ पर जिंदा रख रहा है उसको धन्यवाद, अपने गुरु टीचर सबको धन्यवाद देते रहिएगा। मैं आपको सच बताता हूं, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है बन जाता है, और माइंड जहां पर जाएगा मैटर उधर ही बनेगा। माइंड जहां पर जाएगा, अगर आज आपने माइंड को इनोवेशन पे लगा दिया, अगर आज आपका माइंड इनोवेशन पे लग गया, 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक साल में यही कॉलेज से कितने लोग बैठे हैं समझो, 100 लोग, 200 लोग बैठे हैं, 200 इनोवेशन इसी कॉलेज से निकलेंगे, 200 इनोवेटर बनेंगे। और आपको पता नहीं, अगर आपका एक इनोवेशन, 2017 का सबसे बेस्ट इनोवेशन प्रोडक्ट क्या था मालूम है आपको? अमेजोन का फिजेट स्पिनर, मालूम है फिजेट स्पिनर? यूज किया होगा आपने। एक लेडीज थी 94 में, अपने बच्चे का खिलौना फेंकने जा रही थी, खिलौना फेंकते समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि बोले चलो ये चार टायर को चिपका के एक नया कुछ खिलौना बनाते। उसने टायर को बीच में रखा, बाकी टायर को तीन जगह से जोड़ दिया और ऐसे घुमाती थी। वो थोड़ी माइंड से थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन उसने ऐसा बोला कि इसको घुमाने से ना मेरा दिमाग सही हो गया। और उसके बाद हमारे इधर तो क्या है, बहुत जल्दी अंधविश्वास तो बहुत जल्दी फैलने लगता है, अरे हाँ उसको देखते रहेंगे तो हाँ ठीक हो जाता है। तो 2017 का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट था फिजेट स्पिनर। आपको ऐसी कुछ बनाना है, सोचिए ना, इतने बड़े सिटी में आप रह रहे हैं जहां पे आध्यात्मिक रूप से सबसे आगे सिटी है, शैक्षणिक रूप में सबसे आगे है, सांस्कृतिक रूप में सबसे आगे, इतने बेस्ट सिटी में आप रह रहे हो, तो आपको तो धन्यवाद देना ही चाहिए। धन्यवाद दीजिए, हर चीज का धन्यवाद दीजिए, अपने कॉलेज को धन्यवाद दीजिएगा, आप जहां पे रहते हो उस संस्था को धन्यवाद दीजिएगा, उस सोसाइटी को धन्यवाद दीजिएगा। आप सबने मेरी बातों को सुना सर, आपका और आप सभी स्टाफ का, जिन्होंने इतने दिल से और मन से, मन की गहराइयों से मुझे सुना, उसका धन्यवाद। हर संकट का हल होगा,
हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगा उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितना धार लगाओ उतना ही वो चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मन से, हम की गहराई से धन्यवाद।